एक और सेटअप होने वाला बकेट के अंदर, वो होने लगा प्लेटिस का। सो हाय गाइस, आई होप यू आर फाइन एंड गुड। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और ये मेरी पहली वीडियो, और मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या कुछ बोलूं। बहरहाल ये मेरी है एक मेल बेटा फिश, उसके बाद मेरे पास ये है एक रटिया पुरेंडा, जिसका कुछ ये सेटअप है। उसके बाद जो मैं कल चीज़ लेके आया हूँ वो ये है। सो इसमें है तीन गप्पीज, दो फीमेल और एक मेल, और तीन प्लेटिस, वो भी दो फीमेल और एक मेल है। एक और सेटअप होने वाला बकेट के अंदर, वो होने लगा प्लेटिस का। जिस प्लेटिस ने बेबीज ले करने हैं, पहले तो मैं उसको इस टब में रखने लगा था यहाँ पर, अब मेरा प्लान बदल चुका है क्योंकि इसकी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैं यूज़ करने लगा हूँ बकेट। तो जब तक वो बकेट भरी जा रही है तब तक मैं आपको अपना ये सेटअप दिखाता हूँ। ये है मोलिस का, जिसमें मैंने कुछ मोलिस रखे हैं। ये 3 फीट एक्वेरियम है, जिसमें मैंने एक टॉप फिल्टर लगाया हुआ है, और उसके बाद ये मोलिस है, जिसमें इन पर अलग वीडियो बनाएंगे, और इसी में से मैंने अभी 50% वाटर उस बकेट में डालना है। तो अभी का प्लान ये है, इसमें मैंने इतना फिल कर लिया फ्रेश वाटर, अब मैं इसमें मैच्योर वाटर 3 फीट एक्वेरियम का डालता हूँ। मैं भी जस्ट इधर इनके ऑक्सीजन पाइप सेटअप कर रहा था कि एक इसमें आ जाए और एक इसमें आ जाए। बहुत से लोग कहेंगे कि ऑक्सीजन के बगैर भी सरवाइव कर लेती हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम इनका ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, तो मैं कोई रिस्क नहीं चाहता। प्लेटी को मैं अभी कर रहा हूँ ड्रिप एक्लिमेट करने के बाद मैं इनको इस टब में रिलीज़ कर दूँगा। वो फाइनल सेटअप ही है। मैंने गप्पीज के कुछ चेंजिंग की हैं, गप्पीज में एक प्लांट रख दी हैं कि उनको हाइडिंग स्पेस मिलती रहे। ये आर्टिफिशियल प्लांट है जो मेरे पास अवेलेबल था, तो मैंने इसमें रख दिया है, और ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। उसके बाद ये है प्लेटिस का टब, जिसमें मैंने एक क्रोक रख दिया। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।